नमस्कार, आज हम मिले हैं करियर को रीडिफाइन करने। ज्योत प्रेजेंट करता है खोज रीडिफाइन योर करियर ग्राफ की वीडियो सीरीज, जिसमें आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे करियर रिलेटेड कुछ स्ट्राइकिंग पर्सपेक्टिव्स। आज के टाइम में युवाओं की सबसे बड़ी चिंता करियर की होती है, क्योंकि उनका मानना है कि अपनी पूरी लाइफ का आधार करियर ही है। इसलिए थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आते ही हर एक युवा करियर को सबसे ज्यादा फोकस करता है। मैं कैसा करियर बनाऊं, उसी की प्लानिंग में लग जाता है। लेकिन आजकल इस टेंशन के अंदर और एक एस्पेक्ट आ गया है कि मैं करियर कहां बनाऊं, इंडिया में या अब्रॉड। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो फर्म होते हैं कि मुझे अपना करियर इंडिया में बनाना है कि अब्रॉड में बनाना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मिलते हैं जो कंफ्यूजन में होते हैं। इन सब के लिए हम इस वीडियो सीरीज में करियर इन इंडिया और अब्रॉड का वेरियस एस्पेक्ट से डिस्कशन करेंगे। उसमें सबसे पहला एस्पेक्ट लेंगे एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, क्योंकि करियर बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन एजुकेशन ही है। तो वो एजुकेशन इंडिया में लेना चाहिए या अब्रॉड में, उसकी बात शुरू करते हैं। एट प्रेजेंट टाइम किसी भी गृहस्थ को व्यवहारिक एजुकेशन लेने से पहले कॉस्टिंग का विचार करना बहुत जरूरी हो गया है। यूं देखें तो भारत की प्राचीन एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, विद्यार्थियों की संपूर्ण देखभाल भी समाज फ्री ऑफ कॉस्ट करता था। साथ में विद्या गुरुओं का निर्वाह भी सम्मानपूर्ण रीत से स्वयं हो जाए, ऐसी व्यवस्था समाज में थी। दूसरी ओर विद्या गुरु भी बिना मूल्य विद्यादान करते थे, क्योंकि एजुकेशन को वो कमोडिटी नहीं मानते थे। लेकिन आज पूरे विश्व में एजुकेशन कमर्शियलाइज्ड हो गया है, इसलिए सारे विश्व की स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज की फीस एक्सपोनेंशियली बढ़ती ही जा रही है। उसमें से यदि इंडियन और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की कंपैरिजन करें तो हमें स्पष्ट रूप से दिखेगा कि दोनों यूनिवर्सिटीज की फीस में 4 से 5 गुना डिफरेंस है। यानी इंडिया में स्टैंडर्ड कोर्स की कॉस्टिंग यदि 10 लाख आती है तो अब्रॉड में वही इंडियन स्टूडेंट्स को अप्रॉक्स 40 लाख की कॉस्टिंग पड़ती है। इसमें वापस कॉम्प्लिकेशन यह है कि कॉस्टिंग का डिफरेंस सबके लिए नहीं है, क्योंकि वहां के अमेरिकन या तो यूरोपियन स्टूडेंट्स को इंडियन स्टूडेंट्स के मुकाबले 25% से भी कम कॉस्टिंग पड़ती है। यह वास्तविकता आज के मीडिया में भी उपलब्ध है, उस ओर भी एक नजर कर लेते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन US फॉर MS, GRE, TOEFL, एप्लीकेशन, वीजा, फ्लाइट, ट्यूशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन सब का टोटल करें तो अप्रोक्स $72,265 होते हैं, जो कि इंडियन रुपीज में 47,46,000 हो जाते हैं। अब यही MS कोर्स अगर इंडिया में किया जाए तो उसकी फीस तकरीबन सिर्फ 10 से 12 लाख रुपए ही होती है। एक ही MBA, जिसका स्कूल कॉस्ट हम 3 जगह से कंपेयर करें, अगर हैदराबाद में किया गया तो इट विल कॉस्ट 31,21,389 रुपीज। अगर ये फ्रांस में किया गया तो 68,98,975 रुपीज। और यही चीज स्टैनफोर्ड या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया तो इट विल कॉस्ट 1,35,18,630 रुपीज। ये सारे फैक्ट्स प्रत्यक्ष हैं। इंडिया में स्टैंडर्ड एजुकेशन भी बहुत चीप है, ये रिनाउंड ट्रूथ है। तो भी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि लाखों इंडियंस फॉरेन में एजुकेशन के लिए प्रयास करते ही रहते हैं। वो तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे प्राइम इंस्टीट्यूशंस बहुत ही लिमिटेड है और वहाँ का कॉस्टली एजुकेशन भी स्कॉलरशिप, लोन्स, ग्रांट्स एक्सेट्रा से अफोर्ड कर सकते हैं, तो इंडियंस वहाँ जाने की ट्राई क्यों ना करें। ठीक है, आपने समस्या तो बताई, लेकिन समस्या का सोल्यूशन लाने के बजाय समस्या उलझी हुई ही रहे ऐसा उपाय दिखा रहे हैं आप। क्या वहां जाने के सपने देखने से या तो प्रयास करने से यहां प्राइम इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगी? नहीं ना। सबसे पहले यह बात समझनी जरूरी है कि इंडिया के जो लाखों स्टूडेंट्स अब्रॉड जाने का प्रयास करते हैं उन सब की वहां जाने की ताकत नहीं होती। तो भी एड़ी चोटी का जोर लगा के लाखों की लोन्स, स्कॉलरशिप वगैरह लेकर फॉरेन जाने के लिए दौड़ते हैं। वहां जाके इंडिया में से लिए हुए उन लाखों रुपयों का खर्च करके अब्रॉड की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में से सिर्फ एक US का एग्जाम्पल ले तो आपने कभी सुना है इंडियन स्टूडेंट्स वहां सिर्फ 1 साल में कितना खर्चा करते हैं? इतना खर्चा कि इंडिया में उतने ही पैसों से 60 IIM बन सकती है। जी हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल से 20 IIM ही बना पाई है।
आप इमेजिन कीजिए, उसके सामने सिर्फ यूएस जाने वाले स्टूडेंट्स का एक साल का खर्चा यहां इन्वेस्ट हो जाए तो सीधा 3 गुना यानी कि 60 IIM खड़ी हो सकती है। तो क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं कि अब्रॉड जाना ही नहीं है, बस इंडिया में ही एजुकेशन वगैरह लेना है? देखिए, हम अब्रॉड के खिलाफ नहीं है और अब्रॉड जाना खराब ही काम है ऐसा भी नहीं कह रहे, लेकिन क्या आज की सिचुएशन में अब्रॉड जाना बेनिफिशियल ही है ऐसा आप कह सकेंगे? सोचिएगा जरा, हम इसे एक्सप्लोर करेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। मैं आशा रखता हूं कि आप इन एनालिसिस से कन्विंस हुए होंगे। अगर आपको कुछ जच नहीं रहा तो न्यूट्रल माइंड से दोबारा एक बार देखिए, फिर भी नहीं बैठ रहा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक्स दी गई है उनके जरिए आप फैक्ट्स को रिकन्फर्म कर सकेंगे।